मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ सेंटर से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की ST SC इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की ST SC ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं।